डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स। वैसे आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स हैं, लेकिन जैसा कि एमडीयू है या केयूके है उनके सिलेबस के अंदर ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। एमडीयू का तो कन्फर्म है कि उसके अंदर जो है ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स नहीं है, इसलिए हमारा जो लास्ट कंपाउंड बचता है ऑर्गेनो मेटालिक के अंदर वो हमारा ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स है। बेसिकली जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड है, जैसा कि आपको पता है मर्करी का जो सिंबल होता है वो हमारा Hg होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा 80 होता है। ये जो है बेसिकली एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जिसके आउटर के अंदर डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो है फुल्ली फिल्ड है। तो बेसिकली ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स जो हैं वो एक तरह से बोले जा सकते हैं कि भी काफ़ी स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनके टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स जो मर्करी बनाता है और दूसरा इसकी प्रिपरेशन करेंगे, बाकी जो बचेगा प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली मर्करी हमारा दो तरह के कंपाउंड बनाता है भाई। ऑर्गेनोमर्करी में हम दो तरह के फॉर्मूला के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। पहले होते हैं जिसके अंदर हमारा R2HG टाइप कंपाउंड्स बनते हैं, और सेकंड होते हैं हमारे जिसके अंदर हमारे RHGX कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अब R2HG का क्या मतलब है भाई, जहां पर जो R है हमारा वो क्या होता है भाई, एक वेरिएबल ग्रुप होता है, ठीक है। अब वेरिएबल ग्रुप में मोस्टली जो हम लेते हैं भाई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, एराइल में हमारा एरोमेटिक आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। अल्काइल के अंदर क्या होता है हमारा, अल्काइल के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला रहता है। अब जब हम n की वैल्यू पुट करते हैं, मान लिया 1 पुट करी, तो आपको पता है कौन सा ग्रुप बनेगा हमारा, CH3 ग्रुप बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, R2HG कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, HG के साथ दो R ग्रुप आप ऐसे बना लो, दो R ग्रुप आप इसके साथ ऐसे अटैच कर लो, कैसे भी आपकी मर्जी है। तो बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूट, इनको भाई हम क्या नाम देते हैं भाई, ये जो कंपाउंड्स हमारे कैसे हैं, डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, मतलब दो अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारे मर्करी के साथ अटैच है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, एक R ग्रुप हटके यहाँ पर इसके साथ क्या आ गया भाई, हेलोजन आ गया, X क्या है हमारा हेलोजन, हेलोजन हम मोस्टली लेते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये हम जो है हेलोजन लेते हैं। तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप की जगह पे कौन आ गया भाई, मरकरी आ गया है, तो R ग्रुप हमारा वही रहेगा जो हमारा पहले वाले केस में था, जिसका फॉर्मूला हमारा ये फुल होगा। अगर एराइल ग्रुप की बात की जाए, एराइल ग्रुप के अंदर हमारा जैसे बेंजीन हो गया, ये मरकरी हो गया, इसके साथ एक्स ऐसे भी ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे इसका फार्मूला क्या बन गया हमारा, C6H5HgX, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे दो टाइप के जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स बन सकते हैं, एक हमारे डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड और एक हमारे मोनो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो अगर हम मर्करी के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे मर्करी जो है हमारे, मर्करी फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स, ये हमारे क्या बनाती है, स्टेबल कंपाउंड्स बनाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल कंपाउंड्स, स्टेबल कंपाउंड्स मीन दोज कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एज ए स्टेबल कंपाउंड्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो मर्करी कंपाउंड्स हैं वो लो रिएक्टिविटी रखते हैं, जिस कारण से एयर और वाटर का जो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इस कारण से जो ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्टेबल हो सकते हैं या स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हम करेंगे भाई प्रिपरेशन, दो टाइप मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो क्या बनते हैं हमारे R2HG और सेकेंड बनते हैं हमारे RHGX। अब हम पढ़ेंगे भाई की प्रिपरेशन, सबसे पहले जो प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे भाई वो पढ़ेंगे हम बाय एक्शन ऑफ सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम एंड अल्काइल एलिमेंट,
अल्काइल हैलाइड। बेसिकली सोडियम अमलगम हमारा किसके लिए यूज करते हैं भैया, हम सोडियम के साथ जब हमारा मरकरी कंबाइन होता है NaH, और अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप हमारा R ग्रुप होता है, हैलाइड हमारा X होता है। तो यहां पर जो रिएक्शन है भैया, अल्काइल हैलाइड और सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी उसके द्वारा हम प्रिपरेशन करेंगे भी किसकी, पहला जो टाइप का हमारा डायल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसके अंदर मैं क्या ले लेता हूं, RX प्लस HG। अब यहां पे मैं Na नहीं ले रहा हूं क्योंकि Na बेसिकली X के साथ NaX निकल जाएगा, यहां पर हमें दिखाने की जरूरत नहीं, हम बेसिकली इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं मरकरी के ऊपर, ठीक है। तो हमारा इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 R ग्रुप हो गए मरकरी के साथ, क्या बनाएगा भाई हमारा HgR2, क्या बनाएगा भाई HgR2, जो X निकलेगा वो मरकरी के साथ क्या बनाएगा भाई हमारा HgX2। तो बेसिकली यहां पर सोडियम अमलगम का एक्शन है अल्काइल हैलाइड के साथ, लेकिन सोडियम को हमने यहां पर डिनोट नहीं किया है क्योंकि वो रिएक्शन के अंदर इनवॉल्व नहीं है। ये जो रिएक्शन है आसानी से जो है इसके द्वारा हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिथाइल आयोडाइड के लिए कैसे क्या करेंगे, मिथाइल आयोडाइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन अगर हम करा दें मरकरी की, मतलब यहां पर अगर मैं हैलोजन आयोडाइड ले लेता हूं तो क्या लिखूंगा मैं इसको, आर आई प्लस HG। तो इसमें डायरेक्ट प्रिपरेशन हो जाती है, ये रिएक्शन हम याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या बना सकते हैं भाई, और HGI। तो यहाँ पर हमने ये वाले कंपाउंड की प्रिपरेशन दिखा दी, लेकिन हम डायरेक्ट आयोडिनेशन एक प्रकार से अल्काइल हैलाइड की मरकरी के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो हमारा RHGI बनता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन डायरेक्टली प्रिपेयर RHGI, जिसको हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से ऑर्गेनोमर्करी हैलाइड, ये क्या होता है हमारा ऑर्गेनोमर्करी हैलाइड। कैसे बनाया अभी हमने, बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड विद मर्करी, मर्करी के अंदर हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। अब सपोज करो भी एग्जाम में आपको दे देगा भाई, प्रिपरेशन कीजिए आप ऑर्गेनो मर्करी आयोडाइड की, हैलाइड नहीं क्योंकि आयोडाइड है तो आयोडाइड लिखूंगा मैं, तो आपको ऊपर वाले रिएक्शन नहीं, आपको नीचे वाले लिखनी पड़ेगी जिसके द्वारा हमें डायरेक्ट जो ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और मेथड है भाई जिसके द्वारा हम डायल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अनदर मेथड by reaction of alkyl halide, and sodium amalgam। कैसे भाई, RX है प्लस में HG और साथ में मान लिया मैं आपकी बार यहाँ पे सोडियम अमलगम नहीं लिया था, अगर हम पूरा सोडियम अमलगम भी यहाँ पर ले लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बनेगा भाई। कैसे बनेगा, अब R2HG तो बनना ही है, तो कन्फर्म है क्या बनेगा, R2HG प्लस, अब R ग्रुप दो आ गए हैं यहाँ पर, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूँ, X कितने हो गए दो, Na के साथ क्या आएगा X, तो ये भी दो से, तो एक प्रकार से ये क्या होगा 2RX प्लस HG, सोडियम कितने हैं दो, यहाँ पे इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये भी एक मेथड है भाई जिसके द्वारा हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं डाई अल्काइल मरकरी, क्लियर है। अब R ग्रुप की जगह पर हमारी मर्जी है भाई, या मिथाइल ग्रुप ले, इथाइल ग्रुप ले, या प्रोपाइल ग्रुप ले, कोई भी जो ग्रुप है हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड जो हम इसकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ेंगे, जो इसकी प्रिपरेशन हम करेंगे वो करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लगभग हम 10 प्रिपरेशन करेंगे भाई ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के लिए। तो जो सेकंड प्रिपरेशन है वो है हमारी भाई फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप सब भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भली भांति परिचित होंगे, इसको डिनोट किससे किया जाता है भाई, RMCX। बेसिकली इसकी प्रिपरेशन क्या होती है भाई, जो अल्काइल हैलाइड होता है उसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं ट्राइएथर की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है भाई RMCX, ये क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके अंदर भाई हम HgCl2 डाल देंगे, क्या बनाएंगे हमने RMGX प्लस में क्या डाल देंगे भाई HgCl2।
तो ये जो Cl है इसके साथ आ जाएगा, यहाँ से किसको हटा देगा भाई, मैग्नीशियम को, और उसकी जगह कौन आ जाएगा, मरकरी। तो क्या बना देगा, आर एम जी सी एल, और प्लस में क्या निकल जाएगा भाई, एम जी एक्स सी एल। ये जो एक्स यहाँ से निकला, एम जी निकला है, एम सी एल इसके साथ आ जाएगा, एम जी एक्स सी एल, जो एच जी है और एक सी एल है वो आर के साथ आ जाएगा। तो क्या बना देगा भाई हमारा, आर एच जी, सॉरी मैंने एम जी लिख दिया, एच जी आया आगे, आर एच जी सी एल, क्लियर है। अब आर एच जी सी एल है, उसके अंदर मैं फिर से क्या डाल दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या डाल दूं भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो सीएल है यहां से फिर निकल जाएगा, क्या निकालेगा, एम जी एक्स सी एल, बच गया कौन, आर ग्रुप, आर ग्रुप इसके साथ आ जाएगा, फिर एम जी लिख दिया मैंने, एच जी है, आर एच जी, तो आर ग्रुप इसके साथ आ जाएगा, क्या बना देगा, आर टू एच जी, इसको ऐसे लिख सकते हम, आर एच जी आर। ये हमारा क्या हो गया, डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूट। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कीजिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो आपको दो स्टेप याद करने होंगे, पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हम HgCl2 डालेंगे, और सेकंड स्टेप में जो हमारा RHgCl यहां पे बनेगा उसके अंदर हम फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे, जो Cl MgX के साथ MgXCl निकल जाएगा, और जार ग्रुप इसके साथ हमारा क्या बना देगा, R2Hg, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेथड आता है हमारा ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड्स, ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट विद ए, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट विद ए हैलोजन्स, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटा, ट्रीटमेंट करते हैं किस किस के साथ, हम हैलोजन्स के साथ कर सकते हैं वे प्रिपरेशन, और हैलोजन हैलोजन एसिड्स के साथ, और मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक हैलाइड्स के साथ। इन मेथड्स के द्वारा भी हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं भैया, हमें ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम हैलोजन्स की बात करें तो क्या ले सकता हूं मैं, आर टू एच जी, इसके अंदर क्या डालूंगा अभी मैं, एच जी एक्स टू। तो बेसिकली होगा क्या, इसके अंदर से एक आर ग्रुप को एक्स रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं भाई, ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड बना रहे हैं, मतलब जो डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मर्करी हमारा उसके अंदर हमने हैलाइड यानी कि एक एक्स इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये एक्स जो है यहाँ से आर को हटा देगा, तो बेसिकली क्या बना देगा, आर एच जी एक्स बना देगा। अब आर एच जी एक्स बन गया, एक एच एक आर ग्रुप बचा एक एक्स, तो इसको मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं, कैसे भी दो आर ग्रुप दो आर ग्रुप, एक और एक दो मर्करी, दो से मल्टीप्लाई दो मर्करी, एक्स टू दो हैलोजन है एक्स। अब ये जो रिएक्शन हो गई काफी स्लो होती है, तो क्या लिख देते हैं हम, ये जो रिएक्शन है क्या होती है, काफी स्लो होती है, और इसको होने में भी काफी दिन भी लग सकते हैं। तो ये थर्ड मेथड है भाई जिसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड में हम क्या करेंगे भाई, रिडक्शन करेंगे ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड्स का। तो फोर्थ मेथड क्या अभी आपको बोल सकता है कि बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड्स आपको जो प्रिपरेशन करनी है, तो फोर्थ मेथड में क्या लूंगा, बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड। अब कैसे होगा रिडक्शन, टू आर एच जी एक्स हमारा, इसके अंदर क्या कर देंगे हम 2Na। अब क्या बोला है इसमें, बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड, मतलब जो थर्ड मेथड में हमने ऑर्गेनो मर्करी हैलाइड बना था HgX से, उसका रिडक्शन करेंगे हम, मतलब इसके अंदर से हम किसका रिमूव कराएंगे, एक प्रकार से X का रिमूव कराएंगे। तो हमारा क्या बनेगा भाई, जो R ग्रुप X हट जाएगा यहां से, Na के साथ चला जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा HgR2, या फिर क्या लिखता हूं मैं, R2H, प्लस में क्या निकल जाएगा अभी हमारा NaOH, क्या निकाल देगा अभी हमारा 2NaX निकाल देगा। इसी प्रकार से 2RHgX है, इसके अंदर हम क्या डाल दें, फास्फीन का ट्रायल अल्काइल PR3 डैश लिख देता हूं, डैश क्यों लिखा भाई, क्योंकि यहां पे सपोज करो R ग्रुप अगर मिथाइल है, तो यहां पे जो R ग्रुप वो हमारा मिथाइल नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। तो R डैश से मैंने इसको लिख लिया है, तो क्या बन जाएगा अभी बेसिकली हमारा यहां पर
आर थ्री इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, हमारा बन जाएगा एच जी आर टू। एच जी के साथ कौन आ जाएगा हमारा पी आर थ्री, तो क्या लिख दूंगा मैं एच जी एक्स टू पी आर थ्री डैश का ट्वाइस, ये जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी प्रकार से और ले सकते हैं, मान लिया मैं पोटासियम आयोडाइड ले लूंगा, तो क्या ले लूंगा मैं टू आर एच जी, मान लिया मैं पोटासियम आयोडाइड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स जो है वो भी आयोडाइड ले लेते हैं, क्या डाल दिया हमने पोटासियम आयोडाइड, तो बनना क्या है हमारा एच जी आर टू प्लस में क्या निकल जाए भाई एच जी आई फोर, ए टू एच जी आई फोर, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई अब आर ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं, मान लिया मैंने आर ग्रुप ले लिया सी सिक्स एच फाइव, तो मैं क्या लिख लूंगा सी सिक्स एच फाइव एच जी सी एल प्लस में क्या निकल दिया टू एन ए, क्या बनेगा भाई हमारा एच जी आर टू। अब आर टू की जगह क्या है, आर की जगह सी सिक्स एच फाइव है, तो क्या लिख लूंगा मैं एच जी सी सिक्स एच फाइव का ट्वाइस प्लस में क्या निकल गया हमारा टू एन ए सी एल। अब दो एन ए है, इसको दो से मल्टीप्लाई करते हैं, दो आर ग्रुप हो गए दो आर ग्रुप। सिमिलर केस में यहाँ पे भी आर की जगह हम मिथाइल भी ले सकते हैं, फिनाइल भी ले सकते हैं, जो हमारा जिस टाइप का हमें ऑर्गेनोमर्कर कंपाउंड बनाया है उसकी हम प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता हमारा फोर्थ है, बाई फोर्थ नहीं भाई सॉरी फिफ्थ मेथड आएगा हमारा फ्रोम या बाई डाइजोनियम क्लोराइड, किससे भाई डाइजोनियम क्लोराइड से। बेसिकली डाइजोनियम साल्ट हमारा क्या होता है भाई, इसके अंदर हमारा N2Cl बेसिकली होता है, ठीक है, इसके साथ भाई एरोमेटिक रिंग के साथ, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई ArN2Cl, उसके अंदर क्या डाल देंगे भाई मरकरी डाल देंगे। अब मरकरी क्या करेगा भाई यहाँ से N2 को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा भाई हमारा ArHgCl प्लस में क्या निकल गया हमारा N2, सॉरी क्या निकल गया भाई नाइट्रोजन निकल गया, तो ये क्या बन गया भाई हमारा ऑर्गेनोमर्करी हैलाइड बन गया। तो बाय या फ्रोम डाइजोनियम क्लोराइड या फ्रोम डाइजोनियम क्लोराइड की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं साल्ट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि साल्ट का मतलब क्या है भाई यहाँ पर क्लोराइड ले लिया तो मैंने सीएल लिखना जरूरी है, लेकिन साल्ट अगर हम लिखते हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ArN2Br, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ArN2SO4, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी साल्ट हो सकता है, उस प्रकार से हम इसकी बैलेंसी कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है हमारा फिफ्थ मेथड हो जाता है फ्रोम डाइजोनियम साल्ट या डाइजोनियम क्लोराइड। उसके बाद सिक्स्थ मेथड आता हमारा सिक्स्थ मेथड हम करते हैं भाई फ्रोम ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं भाई ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से। कैसे भाई, मान लिया हमने क्या लिया भाई HgCl2 लिया है, इसके अंदर क्या डाल देंगे भाई हमने आर एलआई डाल देंगे। अब जो लिथियम है भाई आपको पता है लिथियम क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या करेगा भाई यहाँ से एक Cl को निकाल ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई हमारा आर HgCl। फिर से अगर मैं क्या डाल दूं आर एलआई डाल दूं, फिर से लिथियम क्या करेगा सीएल को निकाल ले जाएगा, एल आई सी एल निकल गया आर ग्रुप इसके साथ क्या बन जाएगा हमारा आर एच जी आर, या इसको कैसे लिख सकते हैं हम आर टू एच जी, क्लियर है। इसी प्रकार से और क्या ले सकते हो भाई आप इसकी जगह पे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड ले सकते हो, उसके द्वारा भी जो आप इसकी आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर NaCl ऐड कर दिया जाए तो ये जो सेपरेशन है आर टू एच जी का ये बहुत इजी हो जाता है, तो क्या लिख सकते हैं हम आगे भाई एडिशन ऑफ NaCl फैसिलिटेट सेपरेशन ऑफ HgR, इसकी जो सेपरेशन वो आसानी से हो जाती है। कैसे HgCl2 लिया भाई, क्या डाल दिया हमने AlR3 प्लस में क्या डाल देंगे NaCl, तो आसानी से जो एच जी है ये आर ग्रुप इसके साथ आ जाता है, क्या बनाता है एच जी आर टू प्लस में। अब ये जो एन ए है इसके साथ ये ए एल और सी एल कंबाइन कर जाते हैं, कैसे क्या प्रोडक्ट बनाएगा भाई टू एन ए एल सी एल फोर, फिर इसको बैलेंस कर देंगे भाई मेरे को याद है बैलेंसिंग इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको तीन से, इसको दो से,
इसको दो से, इसको तीन से, और ये मैंने दो से कर लिया था। अगर आप देखोगे तीन मरकरी है, तीन मरकरी है, क्लोराइड हमारे चार दूनी आठ, तीन और तीन छः, तीन दूनी छः और दो सीएल आठ, एन ए हमारे दो हैं, एन ए हमारे दो हैं, एल्यूमिनियम हमारे दो हैं, एल्यूमिनियम हमारे दो हैं, आर ग्रुप हमारे छः हैं, आर ग्रुप हमारे छः हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं भाई, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसका भाई सेवन्थ मेथड आता है भाई मर्क्यूरेशन, और क्या कर सकते हैं भाई हमें मर्क्यूरेशन से भी, डायरेक्ट मर्क्यूरेशन से भी हम जो है एक प्रकार से अल्काइल ऑर्गेनो मर्करी एलाइड कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम मर्क्यूरेशन में बाय डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मर्करी। जो हाइड्रोजन अटैच है, जैसे अल्काइल एलाइड है, कोई भी अल्काइल एलाइड का उतार है, क्या फॉर्मूला है इसका, CnH2n+2, उसके अंदर क्या डाल दो भाई, डायरेक्ट अल्काइल एलाइड डाल दो, मर्करी एलाइड डाल दो MgX2। तो ये जो मर्करी है ये क्या करेगा भाई, यहाँ से इस H को हटा देगा, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मर्करी। तो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट मर्करी कर देगा, क्या बनाएगा भाई हमारा RHgX+ में, यहाँ से जो H निकला है X, उसके साथ क्या निकल जाएगा भाई हमारा HX। तो ये था भाई हमारा सेवन। उसके बाद एट मेथड आता भाई हमारा बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मर्करी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है एक प्रकार से, ये भी इंपॉर्टेंट है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मर्करी। अब ये डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर से किसका रिमूवल होता है, CO2 का रिमूवल होता है। कैसे, इसका फॉर्मूला ले लेते हैं पहले, मर्करी के साथ HgOCO C6H5 का 2 पहले इसको पूरा लिखता हूँ भाई मैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको साथ के साथ, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये क्या भाई हमारा HgOCO, क्या भाई HgOCO C6H5 का 2 प्लस। अब क्या भाई ये बाई डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मर्करी, अब इसका डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे भाई, तो होगा क्या इसके अंदर से, इसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रा करते हैं, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा HgOCO C6H5। बेसिकली इसके अंदर से ये जो CO2 है और ये जो CO2, इसका रिमूवल होगा, मतलब क्या निकलेगा अभी, माइनस या प्लस, इस तरफ ले लेता हूँ 2CO2, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं -2CO2। अब बच गया क्या HG के साथ भाई, 2C6H5, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई हमारा HgC6H5 का 2। क्लियर है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं HgC6H5। तो इस प्रकार से ये इसका मेथड रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें क्या करना हो भाई, अनसिमेट्रिकल मर्करी कंपाउंड बनाने हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या भाई, जैसे यहाँ पर C6H5 है, और हमें यहाँ पर मान लिया कौन सा ग्रुप लेकर के आना है भाई, मिथाइल ग्रुप लेकर के आना। अब तक तो हम सिमेट्रिकल जो मर्करी कंपाउंड थे उनके प्रिपरेशन कर रहे थे, अब अगर हमें अनसिमेट्रिकल की प्रिपरेशन करनी हो तो हमारा क्या मेथड रहेगा वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा नाइन्थ मेथड। नाइन्थ मेथड क्या है हमारा, अनसिमेट्रिकल डाई ऑर्गेनो मर्करी सिंथेसिस। इसके अंदर सिंथेसिस करेंगे भी हम, कैसा हुआ वो हमारा अनसिमेट्रिकल हुआ, तो इसके लिए क्या लेंगे भी हम HgR2+HgR2- इनको हम डायरेक्ट कंबाइन करेंगे। यहाँ पे फर्क समझे भी, अगर R ग्रुप मान लिया C6H5 लिया है, तो यहाँ पे R ग्रुप हमारी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हैं, CH3 ले ले, CH2 ले ले, कुछ भी ले ले, ठीक है। फिर क्या बनेगा भाई हमारा RHgR-, और इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। सपोज करो C6H5 के लिया है, क्या लिखेंगे HgC6H5 का 2 प्लस HgCH3 का 2। तो क्या होगा भाई, R ग्रुप इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा C6H5HgR- इसके साथ CH3, और इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगी भी हमारी इसकी सिंथेसिस। तो इस प्रकार से आप अनसिमेट्रिकल जो डाई ऑर्गेनो मर्करी सिंथेसिस है उनका भी सिंथेसिस कर सकते हो। और लास्ट आता भी हमारा बाय डायरेक्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कि डायरेक्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ऐड करके जो हम इनकी
प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एडिशन बेसिकली करेंगे हम किसके अंदर है, जो हमारे एसिटाइल कंपाउंड होंगे। समझिए भाई, पहले एसिटाइल कंपाउंड, तो बेसिकली एसिटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, इसके अंदर हमारा जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके एक साइड आर या एक साइड एच कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हमारा कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, मान लिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ले लेता हूं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मान लिया मैंने, इसके अंदर डाल दिया के टू एच सी आई फोर और दो सोड पोटासियम हाइड्रोक्साइड मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, जो इसके अंदर जो हमारा एच सी आई फोर है, ठीक है, आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा मरकरी के साथ में, ये वाला एक ग्रुप आ जाएगा इसके साथ में, मतलब क्या कंपाउंड बनेगा भाई हमारा एच जी, ये क्या था भाई आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस प्लस में पोटासियम आयोडीन के साथ क्या निकाल देगा टू फोर के आई सॉरी फोर के आई और प्लस में ओ एच का कॉम्बिनेशन क्या निकाल देगा साथ में वाटर मोलिक्यूल, दो से इसको मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये थे भाई हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और उसकी एप्लीकेशंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।